देखिए हमारा प्रदर्शन जो चल रहा है, प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट कहेंगे इसको, जो कि शांति से चल रहा है, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। जैसे कि सब लोग बता रहे हैं हमारा लखनऊ मतलब बहुत शांति में आ गया है, जिस तरह से हमारा एकदम संविधान के दायरे में चल रहा है। और आज हमारा 19 दिन हो चुका है लेकिन हम यहीं डटे हुए हैं। हमारी तबीयतें भी ख़राब हो रही है, काफ़ी नासाज हो चुकी है हमारी तबीयत भी, बच्चे की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, लेकिन हम यहाँ से टल नहीं रहे हैं और हम यहीं खड़े रहेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार भी करेंगे। और हम इस ये लड़ाई जो चल रही है, ये एक CAA NRC MPR के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है, इसको हम मुकम्मल करके उठेंगे। या तो हम अपने जान का बलिदान दे देंगे, वरना ये कानून को वापस इनको लेना पड़ेगा। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, शाहीन बाग में हो रहा है और तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। आज जो गृह मंत्रालय ने लिखित में दे दिया संसद में कि NRC पूरे देश में लागू नहीं होगा, देखिए NRC लागू नहीं होगा, ये CAA जो आप बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नागरिकता छीन नहीं रहे हैं बल्कि बाहर से आने वालों को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को नागरिकता दे रहे हैं, तो क्या मतलब क्या प्रूफ है आपके पास? जो पाकिस्तान से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, वो आतंकवादी नहीं होंगे, वो घुसपैठिए नहीं होंगे। आप हमारे भारत में घुसपैठियों को क्यों लाना चाह रहे हैं? आप हमारे भारत में क्या करना चाह रहे हैं? कौन सी एक नई आपकी मुहिम चल रही है? आपकी तो बातें एकदम हम लोग के समझ के बाहर हो चुकी हैं, जनता की समझ के बाहर हो चुकी हैं। तो प्लीज़ इस तरह से तानाशाही करना बंद करिए। सरकार को भी समझना चाहिए कि अब जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं हैं बल्कि तमाम ही समुदाय के लोग हैं। और एक हम भारतवासी बनकर हम अपनी इस जंग को पूरा कर रहे हैं, हम महिलाएँ इस जंग को लड़ रहे हैं। जिस तरह से प्रोटेस्ट इससे पहले कि मर्दों ने किया था 19 तारीख को, जो हाल दुर्दशा हुई थी मर्दों की, जो मर्दों का हुआ था, तो उस वजह से हम औरतें मैदान में उतर गए हैं। अब हम रजिया सुल्ताना भी हो गए, रानी लक्ष्मीबाई भी हो गए और बेगम हजरत महल भी हो गए। अब हम यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट को जारी रख रहे हैं, ये उस तक चलता रहेगा जब तक कि ये अपना CAA NRC MPR वापस नहीं लेते, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे और खड़े रहेंगे, हमको कोई नहीं हटा सकता। जी हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार कुछ दबाव बन रहा है सरकार पर, जिस तरह से इनका ईगो था कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो हमने भी फैसला कर लिया था कि हम 0.5 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और आज वही हम भी कर रहे हैं और वो भी अपनी जिद पर अड़े, लेकिन उनकी जिद कहीं ना कहीं टूट रही है, उनकी जो लय है वो कहीं ना कहीं टूट रही है, लेकिन हमारी औरतें नहीं टूट रही हैं बल्कि हमारी बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि ज्यादती हो रही है। हम लोग जो तादाद थी 2010 उससे सैकड़ा हुआ, फिर हजार हुई, फिर हमारी तादाद लाखों में हो गई। हमारी लय जुड़ती जा रही है और सरकार की लय टूट रही है। तो इस कौन आया है आज तो सपोर्ट में इमरान खान जी आए थे हमारा सपोर्ट करने, और काफी लोग आ चुके हैं और धार्मिक गुरु भी आ चुके हैं और काफी एक्टर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, और पॉलिटिशियन जिसको भी आना है वो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। बताइए क्या जैसे सरकार ने आज जो फैसला दिया NRC को, अगर CAA सरकार वापस ले लेती है तो क्या प्रदर्शन खत्म कर देंगे? देखिए बिल्कुल ये तीन जो चीजें हैं, एक चीज पे हम नहीं कह रहे, खाली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे हम खाली टिप्पणी नहीं कर रहे, हम NRC पे भी टिप्पणी कर रहे हैं और MPR पे टिप्पणी कर रहे हैं। ये तीनों चीजें हमारे हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर फेंकी जाए, इसका कोई मतलब नहीं, इसके कोई मायने नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये एक जबरदस्ती का कानून है जो थोपा जा रहा है जनता के ऊपर। और ये कानून थोपना बंद करें और दूसरों को बाहर से नागरिकता बुला कर देना बंद करें, क्योंकि जब आप अपने नागरिकों को नहीं समझ पा रहे तो बाहर से नागरिक बुला के आप उनकी बातों को समझेंगे सुनेंगे? जब अपने ही नागरिक, अपनी ही जनता को आप नहीं समझ पा रहे तो आपको क्या गारंटी है जो बाहर से आप नागरिकता देने के लिए बुला रहे वो सही है, वो हमारे मुल्क में बर्बादी का सबब नहीं बनेगा? हाँ हमको भी ऐसे ही लगता है, जो सरकार फैसला ले रही है, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता गिरने का डर भी लग रहा है उनको कि कहीं सत्ता हमारी गिर रही है, कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं, हालात जिस तरह से क्रिटिकल हो गई है, कंडीशन खराब हो चुकी है हमारे पूरे भारत की, इस वक्त कंडीशन बहुत, हमारा भारत जो चल रहा है वो घाटे में चल रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा भारत खतरे में। और हमें अपने भारत को बचाना है, हमें अपने संविधान को बचाना है, इसी संविधान की रक्षा करने के लिए आज हम सब यहाँ एक हैं।